क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो? क्या आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हो जो कि एक जेनुइन लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म हो? क्या आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हो जो लाइबिलिटी फ्री प्लान हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह सही जगह है और सही समय है आपके लिए। दोस्तों, क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में हम आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो कि बाइनेंस स्मार्ट चैन पर आधारित है और यह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और आपको बता दे, क्रिप्टोकरेंसी आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी है जो आज बहुत ही तेजी से फैल रही है। जी हाँ, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बहुत ही जबरदस्त और लुक्रेटिव सिस्टम में जिसका नाम है IWC एक्सचेंजर। दोस्तों, यह सिर्फ कहने के लिए डिसेंट्रलाइज नहीं है बल्कि यह सच में 100% एक डिसेंट्रलाइज प्लान है। यह कॉन्सेप्ट बाइनेंस स्मार्ट चैन पर आधारित है। इसका कोई ऑनर नहीं होता, बस क्रिएटर होते हैं जो सिस्टम बनाने के बाद ब्लॉकचेन के हवाले कर देते हैं। इसका मतलब है कि यह सिस्टम कोई इंसान नहीं चलाता, इसे ब्लॉकचेन रेगुलेट करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IWC एक्सचेंजर में कम्युनिटी बड़ी तेजी से बढ़ती ही जा रही है। इस सिस्टम को हटाया या बदला नहीं जा सकता और इसे हैक करना भी असंभव है। इस कॉन्सेप्ट में जितने भी मेंबर्स काम करेंगे उनको विड्रॉवल तुरंत मिलता है। यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और इस कॉन्सेप्ट में सभी लोगों के सभी लेन देन bscscan.com पर अवेलेबल है। दोस्तों, आइए अब हम IWC एक्सचेंजर के बिजनेस प्लान को समझते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि गोल्ड, प्रॉपर्टी, FD खरीदते हैं, क्योंकि हमें पता है इसे कुछ सालों तक होल्ड किया तो उसके बाद जब हम इसे सेल करेंगे तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। अगर इस वक्त का सबसे बड़ा एसेट कहा जाए जो कि गोल्ड, प्रॉपर्टी और FD से भी ज्यादा प्रॉफिट आपको दे सकता है तो वो है IWC टोकन। तो समझदारी इसी में है कि अब IWC टोकन को ज्यादा से ज्यादा खरीद कर होल्ड करके रखे, जिससे कि आने वाले समय में जब इसका प्राइस बढ़े तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिले। तो मान के चलो आपने IWC एक्सचेंजर में 1000 BUSD का इन्वेस्टमेंट किया तो आपके इन्वेस्टमेंट को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें 60% का आपको मिलेगा IWC टोकन और 40% प्लान के डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। अब जो 60% का IWC टोकन मिलेगा उसमें से आप 2.5% का विड्रॉवल हर 24 घंटों में एक बार कर सकते हैं। तो आइए हम ये जानते हैं कि ये 2.5% विड्रॉवल की कंडीशन के कारण कैसे IWC टोकन का ग्रोथ होने वाला है। मान के चलो कि एक ऐसा कॉइन है जो 10 पैसे के रेट से लॉन्च हुआ हो और अगर इस कॉइन में 10 बड़े इन्वेस्टर ने 1-1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद आने वाले कुछ ही समय में उस कॉइन का रेट 1 रुपए हो गया तो इन सभी का टोटल इन्वेस्टमेंट जो 10 करोड़ है वो 100 करोड़ हो जाएगा। अब यह सोचिए कि ये 10 लोगों ने अपने सारे कॉइन्स को बेच दिया और यह 100 करोड़ कॉइन से निकाल लिए तो क्या होगा? तो कॉइन डंप हो जाएगा और इस वजह से कई सारे छोटे मोटे इन्वेस्टर का नुकसान हो जाएगा और ऐसे कई सारे केस मार्केट में आपने देखे होंगे। तो ऐसा ना हो इसीलिए IWC के बिजनेस प्लान में बड़े ही सोच समझकर 2.5% की कंडीशन रखी गई है, जिसके कारण IWC टोकन का रेट ड्रॉप नहीं होगा और डंप नहीं होगा और इसका ग्रोथ रेट ऊपर जाते हुए आपको दिखेगा। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये वोलेटिलिटी कंट्रोल करने का काम करेगा। आइए अब हम 40% के डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। अब हम बात करेंगे रेफरल प्रोग्राम की। यहाँ पर 15 लेवल का रेफरल प्रोग्राम है जहाँ पर किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं है, ना बाइनरी, ना ट्राइनरी, ना कैपिंग, ना सीलिंग और ना ही कोई साइड वॉल्यूम मेंटेनेंस का क्राइटेरिया। अगर आप किसी को अपने डायरेक्ट में रिक्रूट करते हैं और वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके इन्वेस्टमेंट का 10% आपको कमीशन मिलेगा।
अब ठीक इसी तरीके से दूसरे लेवल पर जो भी लोग जुड़ेंगे और वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके इन्वेस्टमेंट का 3% आपको मिलेगा। तीसरे लेवल पर जो भी लोग जुड़ेंगे और जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके इन्वेस्टमेंट का 1% आपको मिलेगा। और चौथे लेवल पर जो भी लोग जुड़ेंगे और जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके इन्वेस्टमेंट का 0.70% आपको मिलेगा। अब पांचवे लेवल से लेकर 10 लेवल तक जो भी लोग जुड़ेंगे और जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके इन्वेस्टमेंट का 0.30% आपको मिलेगा। 11वें लेवल से लेकर 14 लेवल तक जो भी लोग जुड़ेंगे और जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके इन्वेस्टमेंट का 0.20% आपको मिलेगा। और 15वें लेवल पर जो भी लोग जुड़ेंगे और जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके इन्वेस्टमेंट का 0.50% आपको मिलेगा। तो यह है रेफरल प्रोग्राम जहां पर 18% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आइए देखते हैं अगली इनकम के बारे में जो है PSI पूल। अब PSI पूल का हिस्सा बनने के लिए आपके पास 50 लाख प्लस IWC की होल्डिंग होनी जरूरी है। अब जितने भी लोग IWC एक्सचेंजर में जुड़ेंगे और जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके टीम से हो या आपके टीम से ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी के इन्वेस्टमेंट का 10% डिडक्ट होता है और जितने भी लोग IWC पूल का हिस्सा है जिनकी होल्डिंग 50 लाख IWC से ज्यादा है उनमें वो 10% बांट दिया जाएगा उनके होल्डिंग के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं अगली इनकम की तरफ जो है मार्केटिंग इनकम। मार्केटिंग इनकम वीकली बेसिस पर कैलकुलेट होता है। हर सप्ताह में जो भी टोटल ग्लोबल IWC में इन्वेस्टमेंट होगी उस इन्वेस्टमेंट का 2% निकाला जाएगा और उस सप्ताह के अचीवर में बांटा जाएगा। अब अचीवर उन्हें कहा जाता है जो उस सप्ताह अपने डायरेक्ट में 500 BUSD का बिजनेस लाते हैं। जिस सप्ताह आप अचीवर होगे उस सप्ताह आपको मार्केटिंग इनकम का हिस्सा मिलेगा और जिस सप्ताह आप अचीवर नहीं हो तो उस सप्ताह आपको मार्केटिंग इनकम का हिस्सा नहीं मिलेगा। अब अगला 5% का डिस्ट्रीब्यूशन जाता है क्रिएटर को जिसने ये पूरा IWC एक्सचेंजर का सिस्टम बनाया है। और अगला 5% का डिस्ट्रीब्यूशन जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड में। अब यहाँ पर वेबसाइट को मेंटेन करने का जो एक्सपेंस हो रिवॉर्ड हो ग्लोबल इम्पोर्टेंट इवेंट हो या ऐसे कोई अन्य बिजनेस एक्सपेंस हो वो कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड से मैनेज किए जाते हैं। तो दोस्तों यह है IWC एक्सचेंजर का फुल बिजनेस प्लान। दोस्तों इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को जिसने भेजा है आप उन्हें संपर्क करके इसे डिटेल में समझ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।